दोस्त अंडर 15,000 आप बहुत बढ़िया स्मार्टफोन की तलाश में हो, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो मार्केट में इतना सारा स्मार्टफोन है, आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडर 15,000 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, साथ ही साथ सभी स्मार्टफोन के कॉन्स के बारे में ही बताऊंगा और कौन सा फोन आपका कौन सा एंगल से खरीदना है और कौन सा एंगल से नहीं खरीदना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो नो बकवास, नो इंट्रो, ओनली टेक इन्फो। दोस्त मैं किसी फोन को रैंकिंग नहीं किया है, दोस्त आप कमेंट में बताओ कौन सा फोन का रैंकिंग कैसा होना चाहिए, तो देखते रहिए। सैमसंग गैलेक्सी F41 6.4 इंच फुल HD प्लस एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मिलेगा, मतलब डिस्प्ले पर आपको अच्छा मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास थिक प्रोटेक्शन है, प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक मिलेगा। फोन का वेट है 191 ग्राम और इसका थिकनेस है 8.9 mm। सैमसंग गैलेक्सी F41 पर परफॉर्मेंस के लिए 10 नैनोमीटर बेस्ड एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर मिलेगा, जिसका क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz, जहां पर आप हाई एंड गेमिंग मीडियम सेटिंग में डे टू डे यूजेस मल्टीटास्किंग आराम से कर पाएंगे। फोन में आपको LPDDR4X वर्जन की 6GB रैम मिलेगा और EFS 2.1 की 64 एंड 128GB स्टोरेज मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी F41 पर 1.8 एपर्चर वाला सैमसंग ब्राइट S5 KZW1 की 64 MP की मेन सेंसर के साथ 8+2 MP की ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। रियर कैमरा से बहुत ही बढ़िया इमेज एंड स्टेबल वीडियो आपको मिलेगा। अंडर 15,000 बेस्ट सेल्फी कैमरा वाला फोन है सैमसंग गैलेक्सी F41। 6,000 mAh की बड़ा बैटरी मिलेगा, जहां पर मिड यूजेस में आपको 1.5 से 2 दिन बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसके अलावा USB Type-C, वेरी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, FM रेडियो, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट, मतलब एट ए टाइम डुअल सिम एंड एसडी कार्ड लगाने की फैसिलिटी भी मौजूद है। सैमसंग गैलेक्सी F41 की कॉन्स की अगर बात करें तो फोन में हायर रिफ्रेश रेट की सपोर्ट नहीं है, टिपिकल सैमसंग डिजाइन है। फोन में 10 नैनोमीटर बेस्ड एक्सिनोस प्रोसेसर बहुत ही पुराना हो चुका है। फोन का चार्जिंग स्पीड वेरी स्लो है, 0 to 100% फोन चार्ज करने में आपको टाइम लगेगा 3 hours 20 minutes। 6,000 mAh की बड़ा बैटरी, अंडर 15,000 सबसे बढ़िया फ्रंट कैमरा, एक्सीलेंट एमोलेड डिस्प्ले, हल्का फुल्का गेमिंग, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू। नॉन चाइनीज फोन चाहिए लेकिन लोअर रिफ्रेश रेट, स्लो चार्जिंग, मीडियम परफॉर्मेंस में आपको इशू नहीं है और आप हार्डकोर गेमर नहीं है तो सैमसंग गैलेक्सी F40 आपके लिए 14,500 प्राइस में ग्रेट डील है। मोटो G40 फ्यूजन 6.8 इंच का फुल HD प्लस एक डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें IPS LCD पैनल यूज किया है और यहाँ पर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10 सपोर्टेड मैक्स विजन डिस्प्ले मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा एंड अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मोटो G40 फ्यूजन में परफॉर्मेंस के लिए 8 नैनोमीटर बेस्ड कॉलकॉम की स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर यूज किया है, जिसका क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz, जहाँ पर आप PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, एस्फाल्ट 9, डेड डी का जैसे गेम आराम से खेल पाएंगे। साथ ही साथ 8 नैनोमीटर के कारण बैटरी भी बहुत कम कंज्यूम होगा। फोन में LPDDR4X वर्जन की 4GB एंड 6GB UFS 2.1 की 64 एंड 128GB स्टोरेज टाइप मिलेगा। फोन का कैमरा भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा, 1.7 एपर्चर का 64 MP का मेन सेंसर के साथ 8+2 MP की ट्रिपल कैमरा मिलेगा, मतलब कैमरा भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए 16 MP की सेंसर यूज किया है। इस फोन में आपको 6,000 mAh की बड़ा बैटरी मिलेगा, जहाँ पर आपको 1.5 से 2 दिन बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फोन के और एक खास बात है, यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब इस फोन में आपको किसी तरह की ब्लॉटर एंड एड्स का इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फोन में USB Type-C, डुअल बैंड वाईफाई, नोटिफिकेशन LED लाइट, 3.5 mm हेडफोन पोर्ट, वाटर रिपेलेंट कोटिंग मौजूद है। मोटो G40 फ्यूजन फोन की कॉन्स की अगर बात करो तो इसमें आपको एमोलेड पैनल नहीं मिलेगा, हाई बीट सिम स्लॉट मिलेगा, मतलब एट टाइम 2 SIM और SD कार्ड नहीं चला पाएंगे। फोन में 6,000 mAh की बैटरी चार्जिंग के लिए 20W की चार्जिंग दिया है। फोन को 0 to 100% चार्ज करने में 2.5 से 3 घंटा आपको टाइम लगेगा। फ्रंट कैमरा की एक्सपोजर लेवल ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ठीक हो सकता है। फोन थोड़ा हेवी एंड बल्की है, इसका वेट है 220 ग्राम और थिकनेस है 9.6 mm। क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस, 120Hz की बड़ा डिस्प्ले, मस्त परफॉर्मेंस, 6,000 mAh की बड़ा बैटरी चाहिए लेकिन LCD पैनल, हाईब्रिड सिम स्लॉट एंड चार्जिंग स्पीड से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मोटो G40 फ्यूजन आपके लिए बेस्ट चॉइस है। पोको M3 Pro 5G 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलेगा, जहाँ पर 90Hz रिफ्रेश रेट और 400 nits पीक ब्राइटनेस मिलेगा। कुल मिलाकर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन है, प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक मिलेगा। मीडियाटेक के डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर मिलेगा, जिसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz। 7 नैनोमीटर बेस इस प्रोसेसर के ऊपर आप PUBG, डेड डिगर, एस्फाल्ट 9 जैसे गेम आराम से खेल पाएंगे। साथ ही साथ 7 नैनोमीटर के कारण बैटरी भी बहुत कम कंज्यूम होगा। LPDDR4X वर्जन की 4 और 6 GB रैम, EFS 2.2 की 64 एंड 128GB स्टोरेज मिलेगा। आप गौर कीजिए, यहाँ पर आपको EFS 2.2 मिलेगा, जिसका स्पीड EFS 2.1 से काफी हद तक अच्छा है। पोको M3 Pro 5G फोन पर कैमरा के लिए 1.8 एपर्चर की 48 MP मेन सेंसर के साथ 2+2 MP की ट्रिपल कैमरा और सेल्फी के लिए 8 MP सेंसर यूज किया है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा। 5,000 mAh की बड़ा बैटरी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगा। फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 11 के साथ MIUI 12 की लेयरिंग मिलेगा। पोको M3 Pro की और एक खास
कहता है यहाँ पर आपको ओनली 14,000 में 6 बैंड सपोर्टेड 5G फोन मिलेगा। फोन का स्पीकर क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा फोन में डुअल 5G, NFC, 3.5mm पोर्ट, IR ब्लास्टर, USB Type-C, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, हाई रेजोल्यूशन सर्टिफिकेशन मौजूद है। पोको M3 फोन की कॉन्स की अगर बात करो तो फोन में एमोलेड पैनल नहीं है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, पोको M3 प्रो 5G फोन पर 4K के वीडियो शूटिंग का ऑप्शन नहीं है, फोन पर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा मतलब एट ए टाइम आप 2 SIM एंड 1 SD कार्ड नहीं चला पाएंगे, फोन पर डुअल स्पीकर नहीं है, पोको M3 फोन पर IP रेटिंग सर्टिफिकेशन नहीं है। 14,000 के अंदर 5G फोन खरीदना है, 90Hz डिस्प्ले, 5000mAh की बड़ा बैटरी, MIUI की स्मूथनेस, NFC जैसा हाई एंड फीचर, IR ब्लास्टर, हाई रेज ऑडियो क्वालिटी चाहिए, लेकिन LCD पैनल, हाइब्रिड सिम स्लॉट से आपको किसी तरह की इशू नहीं है तो आप बेशक पोको M3 प्रो 5G को कंसीडर कर सकते हो। पोको X3 फोन पर 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलेगा, जहां पर आपको HDR10 सपोर्टेड 120Hz रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। कुल मिला के यहां पर आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक मिलेगा। फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यूज किया है। क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन 732 जो प्रोसेसर परफॉर्मेंस के लिए पोको X3 पर यूज किया है, जिसका क्लॉक स्पीड है 2.23 GHz, 8 नैनोमीटर बेस्ड। इस प्रोसेसर में PUBG, रेड डिगर, एसफॉल्ट 9 जैसे गेम आप आराम से खेल पाओगे। डे टू डे यूजेस मल्टीटास्किंग में आपको किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोन में कैमरा बहुत ही अच्छा है, 1.9 एपर्चर की सोनी IMX682 की 64MP मेन सेंसर के साथ 13MP प्लस 2MP प्लस 2MP कुल मिला के यहाँ पर आपको 4 कैमरा देखने को मिलेगा। रियर कैमरा से बहुत ही बढ़िया इमेज स्टेबल वीडियो आपको मिलेगा। सेल्फी एंड वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP की सेंसर यूज किया है। फोन में 6000mAh की बड़ा बैटरी मिलेगा, जहाँ पर मिड यूजर्स में 1.5 से 2 दिन आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलेगा विद MIUI 12 की लेयरिंग। इसके अलावा फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, USB Type-C, Bluetooth 5.1, Dual Stereo Speaker, Dual Band Wi-Fi, 3.5mm Port मिलेगा। पोको X3 कॉन्स की अगर बात करो तो फोन में एमोलेड पैनल नहीं है, फोन हेवी एंड बल्की है, इसका वेट है 215 ग्राम और थिकनेस है 9.4mm। फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा मतलब एक ही साथ 2 SIM एंड SD कार्ड की चलाने की फैसिलिटी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। MIUI में बहुत सारी ब्लॉटर एंड एड्स का इशू है। 6000mAh की बड़ा बैटरी, बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस, हायर रिफ्रेश रेट डिस्प्ले एंड फोन में हाई एंड गेमिंग करना है, लेकिन LCD पैनल, वेट एंड थिकनेस एंड एड्स ब्लॉटर से आपको इशू नहीं है तो पोको X3 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। Realme 8 6.4 इंच फुल HD रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जहाँ पर आपको HDR10 सपोर्टेड 1000 nits पीक ब्राइटनेस मिलेगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अंडर 15,000 बहुत ही बढ़िया स्टोरेज मिलेगा मतलब यहाँ पर आपको 128GB स्टोरेज मिलेगा। Realme 8 में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek की Helios G95 प्रोसेसर यूज किया है, जिसका क्लॉक स्पीड है 2 GHz। डे टू डे यूजेस मल्टीटास्किंग एंड हेवी गेमिंग में आपको मस्त परफॉर्मेंस मिलेगा। फोन का कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, 1.8 एपर्चर की सैमसंग ISOCELL 64MP की मेन सेंसर के साथ 8MP अल्ट्रा 2MP डेप्थ एंड 2MP मैक्रो सेंसर मिलेगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया कैमरा मिलेगा। वीडियो कॉलिंग एंड सेल्फी के लिए 16MP सेंसर यूज किया है। LPDDR4X वर्जन की 4, 6 एंड 8GB रैम, स्टोरेज टाइप EFS 2.1 की 128GB स्टोरेज मिलेगा। फोन वेरी लाइट वेट एंड स्लिम है। 5000mAh की बड़ा बैटरी आपको 1 से 1.5 दिन बैटरी बैकअप देगा और यहाँ पर आपको 30W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगा। फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉइड 11 यूज किया है, जहाँ पर Realme UI 2.1 की लेयरिंग दिया है। इसके अलावा फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, USB Type-C, ब्लूटूथ 5.1, डेडिकेटेड स्लॉट, डुअल बैंड वाईफाई मौजूद है। Realme 8 फोन की कॉन्स की अगर बात करो तो फोन में लोअर रिफ्रेश रेट मिलेगा ओनली 60Hz, G95 12nm बेस्ड परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, लेकिन ये प्रोसेसर अभी पुराना हो चुका है। Realme UI में भर भर के एड्स एंड ब्लॉटवेयर है। फोन में किस तरह की IP रेटिंग नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट एंड पतला, एक्सीलेंट कैमरा, 128GB स्टोरेज, स्मूथली हाई एंड गेमिंग प्ले एंड बड़ा बैटरी चाहिए, लेकिन लोअर रिफ्रेश रेट, ब्लॉटवेयर एंड एड्स से आपको इशू नहीं है तो 15,000 के प्राइस पॉइंट में बेस्ट चॉइस है Realme 8। दोस्त, वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला है तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना। अगला वीडियो देखने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। तब तक के लिए बात से स्वस्थ रहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आज के लिए अलविदा।